सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन व्लॉग। सो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम JBL बेस ट्यूब का साउंड टेस्ट करने वाले हैं। साउंड टेस्ट तो करेंगे ही और सारी डिटेल्स आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। सो दोस्तों, आप भी म्यूजिक का शौकीन है और आप भी अपनी कार में बेस ट्यूब लगवाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यार किस ब्रांड का लगवाएं। सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम साउंड टेस्ट तो करेंगे ही, ऐसा करेंगे जो यूट्यूब पे किसी ने नहीं करके दिखाया होगा। सो हम पंजाबी म्यूजिक सब सारे गाने आपको चला के दिखाएंगे, कैसी परफॉर्मेंस होती है हमारे बेस ट्यूब की। तो बने रहिए वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, शायद आपको पता होगा कि आधा अधूरी जानकारी घातक होती है। तो दोस्तों, आप भी म्यूजिक लवर हैं और आप अपनी कार में म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहते हैं हाई एंड वाला, तो भाई वीडियो तो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, पूरी देखना वीडियो को। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो यार वीडियो को तो लाइक कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ मेरे चैनल पर। सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को बजा लो ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं बेस ट्यूब के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसकी क्वालिटी को इन्हेंस करूंगा। देखने में तो ये अच्छा है ही, बट इसकी जो क्वालिटी है वो डिसेंट है और इसका आउटपुट है वो एक नंबर का है भाई। बेस तो ये लगा लो कि सी से बी से सब हिलने लग जाते हैं, बेस तो फाड़ू है भाई, फाड़ू बिल्कुल। और इसकी परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद, मैं इसका आउटपुट आपको सुनाऊंगा। अब मैं आपको बेस ट्यूब को दिखा देता हूँ कैसा दिखने में है ये और किस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल करवा रखा है डिग्गी में। चलो पीछे चलते हैं, देखते हैं। तो गाइज, कुछ इस तरीके से हमने इसको फिट करवा रखा है। ये देखो JBL की ब्रांडिंग है ऊपर, और इधर दिखाते हैं आपको, पहले खोल लेते हैं। तो ये देखिए गाइज, काफ़ी तगड़ा है बेस ट्यूब, और पीछे से इसमें ये होल है जिससे हवा निकलती है, और यहाँ पे इसकी वायरिंग कर रखी है। तो अब मैं आपको स्पीकर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, 12 इंच का JBL का सबवूफर है और 1300 वाट का है। इसकी RMS पावर 300 वाट है। तो ये वैसे तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और देखने में भी अच्छा लगता है। और जो इसकी बेस है ना, वो एक नंबर है। ये देखो, यहाँ पर छोटी सी JBL की ब्रांडिंग दिख जाएगी आपको, ये ऊपर जाल है। तो अब आपको साउंड टेस्ट करवा देते हैं, आउटपुट सुना देते हैं इसका। तो चलो चलते हैं, इसको सेट कर लेते हैं पीछे। फिर से फिट कर दिया हमने, तो अब इसका आउटपुट सुनाते हैं आपको। डिग्गी बंद कर देते हैं, चलते हैं अंदर। सो गाइज, अब मैं आपको एम्पलीफायर दिखा देता हूँ जो इसको चलाने में मदद करता है। तो गाइज, ये है वर्ल्ड टेक का V18 4 चैनल एम्पलीफायर है ये, और यही बेस ट्यूब को बूस्ट देता है। और गाइज, ये हमने सीट के नीचे रख रखा है, और इसमें दो कलर आते हैं, रेड और ब्लैक। आप ब्लैक ले सकते हैं, लेकिन हमें रेड पसंद था तो हमने रेड ही लिया। गाइज, फाइनली टाइम आ चुका है आपको आउटपुट देने का। कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि यार कैसा रहा एक्सपीरियंस। मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हेडफोन या ईयरफोन लगा लेना, ताकि आपको बेस है जो प्रॉपर सुनाई दे, आपको फील होए। चलो अब चलाते हैं गाने और आपको दिखाते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। सब कांच वाच सब हिलने लगेंगे। चलो चलते हैं, करते हैं और स्टार्ट। अब हम फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं कार से। तो मैं ब्लूटूथ खोलता हूँ। माय रेनॉल्ट, तो हमारी कार कनेक्ट हो चुकी है ब्लूटूथ से। ये देखो गाइज, मीडिया। तो अब चालू करते हैं गाने को।
थोड़ी आवाज करते हैं। सो गाइज, मैं बोल रहा हूँ आपसे एक बार हेडफोन जरूर लगा लेना, क्योंकि इसकी बेस है ना वो काफ़ी ख़तरनाक है। सो अब गाना चेंज करते हैं। सो गाइज, अब कर लेते हैं फुल वॉल्यूम और अब आपको सुनाते हैं सॉन्ग। सो गाइज, पीछे का नज़ारा दिखा देते हैं आपको, पीछे चलते हैं। फाइनली अब मैं एक बेस वाला सॉन्ग सुना देता हूँ आपको। मैं ज़्यादा सुनाना नहीं चाहता, क्योंकि यार कॉपीराइट का इश्यू है, कॉपीराइट आ सकता है। तो अभी मैं आपको फ़ोन को दूर ले जाऊंगा, फिर वहां से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपकी कि यहाँ कितना ज़्यादा बेस आता है और इसकी परफॉर्मेंस में आपको पहले ही बोला था कि यार एक नंबर होने वाली है। सो यहाँ तो भुर्र कुछ सुनाई नहीं दिया, मतलब मुझे तो सुनाई दे रहा था बट आपको कम आ रहा होगा, क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा है एक तो, और म्यूजिक एक नंबर है भाई। सो चलो एक गाना और सुना देते हैं आपको। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ आपको, एक तो आप हेडफोन लगा लीजिए, और अगर आप तगड़ा म्यूजिक लगवाना चाहते हैं अपनी कार में तो भाई ये तो परफेक्ट है JBL का। सो चलो एक गाना और सुना देते हैं आपको। मैंने गाना लगा लिया है, अब चालू करते हैं।
कैसा लगा बेस ट्यूब का साउंड टेस्ट एंड कितना मज़ा आया ये कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अब आपको डिसाइड करना है ये चीज़ आपको लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। सो भाई मेरी तरफ से इसमें 100 में से 100 देने वाला हूँ मैं तो, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस एक नंबर है भाई साहब। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको ये गाड़ी में लगवाना है या नहीं लगवाना है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।